प्रधानमंत्री मोदी 2024 का चुनाव आने से पहले एक बड़ी दिक्कत में, समस्या में, परेशानी में फंस सकते हैं। परेशानी बहुत बड़ी है और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो घेर रहे हैं, कैसे पूरा घटनाक्रम उनके आसपास खड़ा होता जा रहा है और जो कुछ होने वाला है वो 2024 के चुनाव में उनके लिए समस्या बन सकता है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण मोदी पर सवाल उठ सकते हैं, बल्कि सवाल तो उठ चुके हैं। आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें 2024 के चुनाव में दिक्कत दे सकता है, इस पे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सरकारी एजेंसियां उनकी रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और बाकी चीज़ें मिलाकर मोदी जी के लिए एक बड़ा संकट खड़ा करने वाले हैं और इस बार जो संकट होगा वो खुलेआम होगा, सारी पब्लिक के सामने होगा। क्या है और क्या होने वाला है? आखिर पीएम मोदी क्यों और कैसे 2016 की एक गलती के लिए अब परिणाम भुगत सकते हैं? 12 अक्टूबर आने वाली 12 तारीख वो दिन है जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद अहम मामले पर सुनवाई होने वाली है और ये मामला सीधे पीएम मोदी के फैसले से जुड़ा हुआ है, उस फैसले से जुड़ा हुआ है जिसमें मोदी जी ने ना तो अपने मंत्रियों की सुनी थी। डॉक्टर हर्षवर्धन का रिकॉर्डेड बयान है कि मंत्रियों को कमरे में बंद कर दिया गया था, मैंने सुनवाया था अपने चैनल पे। सिर्फ 4 लोगों ने फैसला लिया और कहा कि जो कुछ जिम्मेदारी है मेरी है और अब उस फैसले पर 12 अक्टूबर से एक बड़ा बम गिरने वाला है। बम कैसे गिरेगा इसको समझने के लिए थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे पहलू हैं, जल्दी निष्कर्ष निकालेंगे तो मजा नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है, 5 जजों की बेंच है जो इसकी सुनवाई करेगी और मंगलवार को इस बेंच का गठन भी कर दिया गया है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना इस मामले की सुनवाई करेंगे। और इस मामले की सुनवाई में अगर आपको ये शक हो कि कुछ खेल हो जाएगा, कुछ कर लेगी सरकार, कुछ मैनेज कर लेगी, तो एक बात याद रखिएगा, ये सुनवाई लाइव होगी, YouTube पर होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उससे पहले अपनी सारी कार्रवाइयों को लाइव करने जा रहा है। उसने अपना एक चैनल बनाया है जिसके ऊपर सारी कार्रवाइयों को लाइव किया जाएगा, यानी पहले कार्रवाइयां लाइव होनी शुरू हो जाएंगी जनता के सामने। अगर 19-20 होगा तो सुप्रीम कोर्ट की साख पे सवाल खड़ा हो जाएगा और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अब सवाल उठाने का वक्त गया क्योंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। और ये जो सुनवाई होने वाली है, ये सुनवाई होने वाली है किसी और मामले पर नहीं, नोटबंदी के मामले पर। और सुनवाई 1-2 नहीं, 58 याचिकाओं पर होने वाली है, 58। ये 58 याचिकाएं बाकायदा जब सुनी जाएंगी तो लाइव स्ट्रीमिंग पे ये मामला आएगा। इसलिए मोदी सरकार की तरफ से बार बार ये प्ली दिया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा मोदी सरकार का जोर इस पे होगा। नोट कर लीजिए कि अब बात पुरानी हो गई है, ये मामला कहीं एकेडमिक बहस में तो नहीं उलझ जाएगा, क्योंकि जो कुछ होना था हो चुका है और सुनवाई होने वाली है। मसला है 8 नवंबर को 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में खड़े होकर ऐलान किया था कि 1,500 रुपए के नोट आज से बंद कर दिए जाएंगे और 2,000 रुपए के नए नोट निकाले थे। 500 रुपये, 1,000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। आज उस फैसले की समीक्षा अब हो रही है, उसके खिलाफ जितनी याचिकाएं डाली गई थी उन सारी याचिकाओं पर सुनवाई अब हो रही है, तब जबकि आम चुनाव में 2 साल भी नहीं बचे हैं। ये सुनवाई लाइव होने वाली है कैमरे पे, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। यानी दोनों तरफ के वकीलों की जो दलीलें होंगी वो इस देश के लोग अपनी आंखों से देखेंगे और सुनेंगे। ये ठीक एक लाइव डिबेट की तरह होगा जो किसी गोदी मीडिया चैनल पे नहीं हो रहा है, जो डिबेट एक तरफा प्रायोजित नहीं है, जिसमें एंकर और 4 गेस्ट सिर्फ एक पार्टी की तरफ से होते हैं और दूसरी तरफ से एक आदमी गाली सुनने के लिए बिठा दिया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट की बहस होगी जिसमें दोनों तरफ से लोग आएंगे। और एक चीज़ और है, आप कहेंगे कि साहब इसमें ऐसा क्या है जो हम, एक फैसला है सरकार का, ठीक है, इसको गलत कैसे साबित करेंगे? तो इसके जो 4 मकसद बताए गए थे
वो आपको जानना जरूरी है। केंद्र सरकार ने कहा था कि इसके जरिए नक्सलवाद और आतंकवाद पर पूरी तरह रोक लग जाएगी, उनकी कमर टूट जाएगी, क्योंकि उनके पास नोट नहीं रहेंगे, उनके नोट छिन जाएंगे। लेकिन ऐसा हो न सका। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद पे कमर पड़ेगी, की कमर पे लाठी पड़ेगी। 2016 से 22 आ गया, वहाँ की परिस्थितियाँ, आतंकवाद की परिस्थितियाँ लगातार बिगड़ी हैं और हालत ये हुई है कि लंबे समय तक वहाँ पे कर्फ्यू लगा के रखना पड़ा, पूरे शहर को नज़रबंद करना पड़ा और बहुत सारे काम करने पड़े। फिर भी आतंकवाद की स्थिति काबू में नहीं आ रही है, पुलवामा जैसा कांड हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो अब ये भी नहीं कह सकते आप कि आतंकवाद पे चोट पड़ी। काला धन, काले धन पे कुछ डिटेल्स हैं जो अभी लेके आता हूँ, आरबीआई की डिटेल्स। काला धन खत्म करने की बात आपने कही थी, वो काला धन काला का काला ही रह गया। जितने नोट थे नोटबंदी के बाद सारे के सारे सरकार के पास आ गए, यानी सारा काला धन नंबर एक का पैसा बन गया, जो काला धन खत्म होना चाहिए था। आपने कहा कि हमारे नोट ऐसे हैं जिनके नकली नोट नहीं बन सकते हैं, नकली नोट भी अंधाधुंध बने हैं। याद कीजिए मोदी जी ने कितना खुशी जताई थी और मजाक उड़ाया था लोगों की तकलीफ का, घर में शादी है पैसे नहीं है। मैं वो वीडियो लगा रहा हूं, आपको याद आएगा, घर में शादी है पैसे नहीं है, मां बीमार है, हजार के नोटों का थप्पा है। और इस सब चीज पे अब चर्चा होगी, सरकार से सुप्रीम कोर्ट में पूछा जाएगा, बताइए कि आपने ये किया किस लिए था, तो उत्तर देना पड़ेगा। वो जवाब वहां नहीं दे सकते हैं जो भाषणों में आपने दिया था। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या स्थिति आज की तारीख में काले धन की है। और 2000 का नोट, छोटे साइज का नोट, एक अटैची में ज्यादा नोट भर सके ऐसा नोट छापने का फैसला जो लिया था, उस पर भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब वो नोट वापस तिजोरियों बंद हो गए, काला धन बन गए हैं। आरबीआई की रिपोर्ट बताता हूं, 2016 में जिस साल नोटबंदी की गई थी उसी साल से लगातार नकली नोट पकड़े जा रहे हैं। तो एक तो ये दावा कि नोट नकली नहीं बन सकते, ये गलत साबित हुआ है। बहुत सारे एंकर्स ने, गोदी मीडिया ने, आज तक के दफ्तर में भी एक हिंदू महासभा का दफ्तर है वो एक पुणे में, वहाँ पे कई लोग चर्चा कर रहे थे, वायरल हुआ था वीडियो कि नोट के अंदर जो है वो चिप निकलती है, जमीन के अंदर गाड़ देंगे तो सिग्नल चला जाएगा, और वो सारी की सारी बातें, उनकी पोल खुल गई है इतने सालों में कि जनता को कैसे बनाते हैं। अब बताता हूँ कि नोटबंदी के बाद से जो पैसा आरबीआई ने छापा था उसमें से 9,21,000 करोड़ रुपए के नोट कहाँ हैं, किस तिजोरी में है नहीं पता है। ये मत सोचिएगा कि फट गए होंगे, पुराने हो गए होंगे, क्योंकि फटे पुराने नोटों का हिसाब आरबीआई अलग से रखता है, वो आरबीआई के पास जाते हैं, आरबीआई उसके बदले में नए नोट छाप के देता है। हालत ये है कि 2016 से अब तक 500 और 2000 के कुल 6,849 करेंसी नोट छपे, और उसमें 6,000 में से 1,680 करोड़ से ज़्यादा नोट सर्कुलेशन से गायब हैं। आप 6800 नोट छापते हो उसमें से 1,600 नोट गायब हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए। ये एक मोटा मोटा हिसाब दे रहा हूँ, 6849 करोड़ हैं वो, और 1,680 करोड़ से ज़्यादा करेंसी नोट सर्कुलेशन से गायब हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, मैं आपको बाकायदा क्लिप लगा रहा हूं, और नोटों की कुल वैल्यू 9,21,000 करोड़ रुपए, यानी 25% नोट काले धन के काम में आए हैं। और इन नोटों का जो नया डिजाइन था, उस नए डिजाइन की सिर्फ एक ही खासियत थी कि विपत्तो अफवाह थी, असली जो खासियत थी वो सिर्फ ये थी कि नोट आकार में छोटे हैं, और जो 1,000 का पुराना नोट था उतनी जगह में ये 5,000 रुपये आ सकते हैं। यानी एक अटैची में अगर 10 लाख रुपए पहले रख सकते थे तो अब उसी अटैची में 50 लाख लग सकते हैं। ये सुविधा देश को पीएम नरेंद्र मोदी ने दी है, और अब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो ये बातें भी सामने आएंगी, और ये देश सुनेगा, और कब सुनेगा, जब चुनाव 2 साल बाद आने वाला है। और ये घेराबंदी चारों तरफ से हो रही है। हालत ये है कि ये पूरे नोट जो गायब हो गए हैं, इसकी जो रिपोर्ट है, इसको अगर आप एक तरह से इग्नोर भी कर दें तो भी एक सवाल, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में बहस शुरू होती है, मैं, आप, यहाँ, वहाँ सब लोग उठाएंगे,
और वो सवाल ये उठाएंगे कि ये क्यों की गई थी नोटबंदी। मोटा मोटा अगर जो मेरा दिमाग काम करता है, इस नोटबंदी का मतलब और मकसद सिर्फ इतना था कि अब हम पावर में आ गए हैं, हम सब काला धन जितना भी है दूसरी पार्टी वालों का अटैची में लगा है, मायावती का नाम भी लिया गया, किसी का कहीं लगा गया, सोशल मीडिया पे इन्होंने नाम लिया, किसी का बिस्तरों पे रखा हुआ है, किसी का कहीं रखा हुआ है, वो कर देंगे कागज और नए नोट छापेंगे और वो नोट याद कीजिए महेश शाह गुजरात का व्यापारी था। कभी सुना किसी ने उसका कुछ बिगड़ा, उसको कुछ सजा हुई भाई, उसको उसका कुछ पता चला? अब महेश शाह करके सर्च करिएगा तो आपको पता चलेगा कि 2016 में नोटबंदी के बाद महेश शाह ने कितने नोट बदले थे। ये भी सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि एक और शाह साहब है गुजरात के, उनके कोऑपरेटिव बैंक ने ठीक नोटबंदी से पहले कितने नोट इधर से उधर किए थे। और ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट में जब बहस होगी तो सामने आएंगे तो देश सुनेगा। और ये सबसे सही समय है चुनाव से पहले, जब देश को जानना चाहिए कि क्या हुआ था उस साल और इसके पीछे मकसद क्या था। अगर आतंकवाद की कमर तोड़ने का मकसद था तो आतंकवाद बढ़ा कैसे, नक्सलवाद बढ़ा कैसे, काला धन रोकने का मकसद था तो काला धन बढ़ा कैसे, सारी रिपोर्ट्स रखी हुई हैं किस तरह से स्विस बैंक में बहुत सारा काला धन बढ़ गया है। अगर वो सब डाटा डालने लगूंगा तो फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा, लंबे वीडियो से हमारे मित्रों को बहुत सारी शिकायतें हैं। कुल मिला के ये स्थितियाँ जो हैं, जो इशारा करती हैं कि चारों तरफ से नोटबंदी के मामले पे पीएम मोदी को चारों तरफ से घेर लिया गया है। अब आप सोचिए, एक आदमी के एक फैसले के ऊपर ढेर सारी याचिकाएं लगी हुई हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है और वो सारी की सारी कार्रवाई लाइव टेलीकास्ट हो रही है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जितना मज़ा 2016 में नोट बंद करने के बाद देश के लोगों का प्रधानमंत्री जी ने लिया था, उससे ज़्यादा प्रधानमंत्री जी के इस एक बेहद असफल, बेहद अविचारित फैसले का सीधा प्रसारण देखकर लोग लेंगे। 12 अक्टूबर याद रखिएगा, सुनवाई शुरू हो रही है उस दिन से। 5 जजेस की बेंच है, दाएं बाएं करने का स्कोप नहीं रहेगा, बहस खुली होगी, सबके सामने होगी, सुप्रीम कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है और सरकार को ये बताना पड़ेगा वहां पे अदालत में कि नोटबंदी क्यों की थी, किसका फैसला था, कहां से प्रेरित था, इस फैसले के पीछे मकसद क्या था, जो मकसद था वो आपने अचीव क्यों नहीं किया। जवाब तो देना पड़ेगा और जवाब दे रहे होंगे तो देश देख रहा होगा। इसलिए अब जो आने वाला समय है वो मोदी जी के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला है, ये मेरा निष्कर्ष था।